Hello students, how are you all? Students, yesterday we have done the topic India is a sovereign, socialist, secular and democratic republic. Okay, and we are doing the chapter our constitution in which we are going to read all these topics. We have read that how our constitution formed, which assembly formed the constitution, okay, what is the need to form a constitution, okay, and from which countries we have taken different rules or different system, political system, theek, so ye sab cheeze humne read ki thi, and we have also read basic feature of our constitution, that is unique constitution, landless constitution, written constitution and rigid constitution. Okay, ab rigid and flexible mein we have just discussed about the procedure of amendment of Indian constitution. Indian constitution ke kya amendments kis tarah se ki jati hain, wo procedures humne discuss kiye the. Okay, so now we are going to read about another basic feature of our constitution. Clear? This is also our constitution's feature jo aaj hum karne ja rahe hain, that is parliamentary form of government. Okay, do you recognize this picture? Which building is this? Kaun si building hai beta ye? देखी होगी आपने न्यूज़ में बहुत बार, एंड अगर आप दिल्ली गए हो घूमने तो वहाँ पे भी देखी होगी. तो विच पिक्चर इज दिस? राइट, दिस इज आर पार्लियामेंट हाउस. व्हाट इज, व्हाट इट इज? पार्लियामेंट हाउस, एंड इट इज इन दिल्ली. गुड, पार्लियामेंट हाउस है और ये दिल्ली में है, ठीक है. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कि हमारी गवर्नमेंट की फॉर्म पार्लियामेंट्री फॉर्म क्यों है. इट इज सेम एट स्टेट लेवल एज वेल एज सेंट्रल लेवल. स्टेट लेवल पर भी पार्लियामेंट्री फॉर्म है और सेंट्रल लेवल पर भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. वी अडॉप्टेड दिस पैटर्न फ्रॉम ब्रिटेन पॉलिटिकल सिस्टम. वी ऑल नो दैट ब्रिटिश पीपल रूल्ड ओवर अस फॉर 200 ईयर्स, नियर अबाउट 200 ईयर्स उन्होंने हम पर रूल किया था, ठीक है. तो उनकी जितनी भी पॉलिसीज थी उनका हम पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट था. सो दे जस्ट यूज़ द पैटर्न, पॉलिटिकल पैटर्न कौन सा उन्होंने यूज़ किया, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि ब्रिटेन में ऑलरेडी ये सिस्टम चल रहा था तो उन्होंने इंडिया में भी इसी सिस्टम को फॉलो किया. एंड हमने बहुत ईयर्स तक उस रूल के अंडर सर्वाइव किया है, ब्रिटिश रूल के अंडर, क्लियर. तो हम पर ब्रिटिश रूल का इम्पैक्ट था. Okay, so our constitution makers felt that it is a good system and we can adopt it for our free country, independent country. ठीक है, हमारे जो constitution makers थे, constituent assembly के members, उन्होंने ये feel किया कि जो system चलता आ रहा है, जो Britishers ने यहाँ पर launch किया है, start किया है, यही system हमारी country के लिए better रहेगा. Okay, so they just adopted this system. Okay, because there is a close relationship between legislature and executive. यहाँ पर parliamentary form of government में किसी की भी supremacy नहीं रहती है, कोई भी ज़्यादा बड़ा या ज़्यादा छोटा नहीं होता. Everybody is equal, every department is equal, और every department works with the help of each other. ठीक है, वो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं अपना वर्क करवाने के लिए. और यहाँ पर यही बताया है
कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव में एक रिलेशनशिप होता है. अब लेजिस्लेचर मीन्स द बॉडी दैट मेक्स लॉ. वो गवर्नमेंट की बॉडी, वो गवर्नमेंट का पार्ट जो लॉ बनाता है. और एग्जीक्यूटिव मीन्स वो लोग जो क्या करते हैं, द पर्संस दोज जस्ट एग्जीक्यूट द लॉज, जो लॉज को एग्जीक्यूट करते हैं. ओके, सो लेट्स अगेन आई एम डिस्कसिंग द फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट. दिस सिस्टम वॉज अडॉप्टेड फ्रॉम ब्रिटेन. ओके, एंड देयर इज अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव. यह भी मैंने डिस्कस किया कि लेजिस्लेचर में कौन है, वो पार्ट जो वर्क करता है. अब लेजिस्लेचर में कौन कौन आते हैं, जितने भी पर्सन्स लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर होते हैं. तो लोकसभा और राज्यसभा पूरी, सेंट्रल लेवल पर ये लेजिस्लेचर है और स्टेट लेवल पर कौन सा लेजिस्लेचर, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये लेजिस्लेचर है. ओके, तो लेजिस्लेचर वो बॉडी होती है जो लॉज बनाती है. लेजिस्लेचर लॉ मेकिंग बॉडी होती है. और एग्जीक्यूटिव मीन्स दैट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट दैट एग्जीक्यूट्स द लॉ दैट इज मेड बाय लेजिस्लेचर. एग्जीक्यूटिव्स चेक करते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं लॉज को, कि ये लॉज वर्किंग में आए, लोग इन्हें माने, इस चीज़ को चेक करती है एग्जीक्यूटिव. ओके, तो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में क्लोज रिलेशनशिप होती है. ठीक है, एंड वी हैव पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एट सेंटर एंड इन द स्टेट. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि आप इलेक्ट कर रहे हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव और वो वहाँ पर जाकर आपके लिए वर्क कर रहे हैं. तो हमारे यहाँ स्टेट लेवल पर भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और सेंट्रल लेवल पर भी है. है, वी वोट फॉर द गवर्नमेंट. ठीक है, टू फॉर्म द गवर्नमेंट हम वोटिंग करते हैं, राइट. तो यहाँ पर पार्लियामेंट्री फॉर्म सेंटर में भी है और स्टेट में भी है. नेक्स्ट पॉइंट, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कॉन्स्टिट्यूटेड फ्रॉम अमंग द मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर. अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही एग्जीक्यूटिव होते हैं, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहाँ से आते हैं, कोई किसी और कंट्री से हायर किए जाते हैं? नो, दे आर द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर एंड दे आर द सिटीजन ऑफ इंडिया. वो इंडिया के ही सिटीजन होते हैं. और जो पर्सन्स इलेक्ट होकर लेजिस्लेचर के मेंबर बनते हैं, यानी कि लोकसभा के मेंबर बने, ठीक है, या फिर आपने एमएलए सुना होगा, आपके एरिया से एमएलए जाते हैं, वो स्टेट लेवल पर होते हैं. लोकसभा तो यूनियन लेवल पर होती है, सेंट्रल लेवल पर. और एमएलए जो हैं, जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स हैं, वो स्टेट लेवल पे होते हैं. ठीक है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किससे बनती है, जो पर्सन्स लेजिस्लेचर के मेंबर होते हैं उन्हीं में से जो मेजॉरिटी पार्टी होती है उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर्म होती है. ओके, एंड इन अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो हेड होता है स्टेट का, दैट इज इन आर कंट्री इट इज प्रेसिडेंट. और वो क्या होता है, नॉमिनल हेड. क्लियर, वो पर्सन नॉमिनल हेड होता है. ओके, द पावर्स सीम्स टू बी हाई. उसकी पावर्स बहुत हाई दिखाई देती हैं, किसके पास एक्सट्रीम पावर्स हैं, ये कुछ भी कर सकता है. बट इन रियल दीज पावर्स आर यूज्ड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर. रियलिटी में ये पावर्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यूज करती है और प्राइम मिनिस्टर यूज करता है, जो पूरी कंट्री का वर्क देख रहे होते हैं, पूरी कंट्री के लिए वर्क कर रहे होते हैं. ठीक है, प्रेसिडेंट तो हमारा हेड है, ये हमें पता है. हेड ऑफ द स्टेट कहा जाता है प्रेसिडेंट को भी. तो प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट
एंड ही हैज़ मैनी पावर्स, ओके, एक्सट्रीम पावर्स हैं, बट बिकॉज ही इज़ अ नॉमिनल हेड, वो सिर्फ एक नाम का हेड है, नॉमिनल मीन्स कि नाम का हेड है, असल में सिर्फ दिखने के लिए वो हेड है, बट ही डजेंट हैव एनी काइंड ऑफ पावर्स, उसके पास किसी तरह की कोई पावर नहीं है. ऑल द पावर्स आर इन द हैंड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दैट इज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर. ओके, इज इट क्लियर? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज क्लियर टू यू ऑल? वेरी गुड. नाउ रीड दिस पैराग्राफ. इस पैराग्राफ को अच्छे से रीड करेंगे प्रॉपरली एंड अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे. इफ स्टिल यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क. ओके ओके बेटा, थैंक यू सो मच.